अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डे थ्री का आगाज़ हो गया है लेकिन मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। पीछे बादल आए हुए हैं सारे और लड़के सारे वेट कर रहे हैं नीचे। तो 11 बजे चेकआउट है, अभी कोई 20 मिनट रहते हैं तो मैं जाके तैयार होता हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं, टाटा। अच्छा जी, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बीमर के सामने गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये बंदा भी पीछे खड़ा है, अब निकल रहे हैं हम। क्या नाम है जगह का? चलो रास्ते में पता लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा चीता, इसकी भी नींद पूरी हो गई है। चीते भाई इंग्लिश में कुछ बोले ना? नो नथिंग। ओके चलें जी, हम निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अपनी गाड़ी भी ये खड़ी है भाई। डिगी खोल, डिगी डिगी खोल। ये बंदा पानी डाल, गाड़ी गर्म कर 15 मिनट। थैंक यू। या जी। अच्छा ये शेक और बर्गर हैं या जो भी हैं, ये मंगवाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट अलाउ नहीं है, मतलब है नहीं अभी। वीगन वीगन खिला रहे हैं, शाकाहारियों को वीगन खिला रहे हैं ये लोग। तो डेवन में एक छोटा सा गांव है जो हम एक्सप्लोर करने आए हैं, क्योंकि हम बीच देख देख के थक चुके थे। तो अभी हम आप रास्ता बहुत प्यारा है इसका, ठीक है, और हम अब आपको घूम फिर के दिखाते हैं कि यहाँ के गांव कैसे होते हैं। लेकिन गांव इनका वैसे ही देख के हमें लग गया कि डेवलप है, बस इंटरनेट नहीं आ रहा। तो चलें आए एक्सप्लोर करते हैं साथ मिल के। यूसुफ भाई बताए ना, हम कहाँ पहुँचे हैं? टाउन है लेकिन पता नहीं है ये कौन सा टाउन नहीं है, सॉरी ये विलेज है। विलेज है क्लोली। पैसे दे के आने पड़ते हैं। एग्जैक्टली 8.5 पाउंड पर पर्सन। आपके पास आपके साथ क्या नाम है इसका, सुफियान जैसा बंदा हो, चिंटू मिंटू, तो आपको फिर 4.75 देने पड़ेंगे। तेरे कम देने पड़े तुझे? नहीं यार पूरे पैसे दिए। पीछे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, वाइन वगैरह के, और बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ, तो बड़े मज़ेदार जगह है, प्यारी सी जगह है। लाइटिंग बराबर नहीं हो रही, चले कहीं। पहाड़ भी है साथ में। बहुत अच्छी भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छी जगह सजेस्ट की। जाओ पे लेके जाता हूँ। सही बात है, कोई शक नहीं, लेवल ही अलग है। अभी बाहर के आया हूँ मैं। आपकी जगह तो हमसे पैसे क्यों लिए? ये 8-8 पाउंड, 8-8.5 पाउंड लिया, ये बैंड दिया, और ये जलील अलग से किया मुझे। तो
अमेरिकन निंजा है तू तो यार। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, तो दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती, तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती, जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो, लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बे आवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। अच्छा, वही है कि हमारा जो 3 दिन का ट्रिप था वो अभी कंक्लूड कर रहे हैं हम, तो क्या लोग जो हैं सदीक लोग वो लोग चले गए हैं, क्योंकि उनकी टिकटें बुक थी ब्रिस्टल से, तो वो लोग वहाँ से हर बंदा अपने अपने घर पर चला जाएगा, हमारी गाड़ी क्योंकि सेपरेट थी तो हम बाद में जा रहे हैं। तो 3 दिन बहुत मज़ा आया, हम कॉर्नवॉल हमने सारा देखा, ये अभी हम डेवन में आए हुए हैं, ये सारा हमने काफ़ी देखा, हमने पीछे वाटरफॉल है, साइड से समंदर है, तो नवयान भाई की फरमाइश पे कि अगर तुम पैसे खर्च कर रहे हो तो ज़िंदा हो जाओ, अगर तुम निकल के इधर उधर घूम रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, अगर तुम लाइफ एक्सपीरियंसेस कर रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का डायलॉग है, मुझे पता नहीं है, ये तो मैंने कहानियाँ जानी हैं बीच में, लेकिन मेन मकसद ये है कि घर से बाहर निकलें, घूमें फिरें, ज़िंदगी इंजॉय करें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, टाइम बहुत गोली की तरह गुजरता है, जैसे हमारी ये हॉलीडेज गुजरी हैं, तो ऐसे ही आप लोग घर से बाहर निकलें और इंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।